हरे कृष्णा। हम लोग केक बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए फ्लावर 3 कप्स। ओके ये ऑल पर्पस प्लेन फ्लावर है मैदा हिंदी में, और इसको हम लोग 3 कप डालेंगे। ये डिस्पोजल वाला कप है जिससे हम 3 कप ले सकते हैं। अगर 3 कप मैदा है तो हम 2 कप शुगर लेंगे, ठीक है, 2 कप चीनी। सेम इसी कप से, जिस कप से आटा का मेजरमेंट करेंगे मैदे का, उसी कप से हम चीनी का भी मेजरमेंट करेंगे। सेंधा नमक है जो हम थोड़ा सा डालेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा वाला चीज है ना। okay. ड्राई वाले चीज को पहले मिक्स करना। okay. दूध, ये योगर्ट और बटर डालने के लिए इसको पहले हम जितना भी सूखा आइटम है पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में हम जो भी लिक्विड आइटम है बाद में ऐड करेंगे। पहले प्रॉपरली इसको हम ब्लेंड करेंगे, जैसे दीदी ब्लेंड करते हैं। So, ये जो कप है ना, इसी से मेजरमेंट हुआ है। फ्लावर, फ्लावर का हुआ है, शुगर का हुआ है, यू हैव टू द सेम मेजरमेंट, 3/4 फुल योगर्ट। एक कप में थोड़ा सा कम होना चाहिए जो हम दही डाल के इसमें मिक्स करते हैं। और इसके बाद बटर, बटर 1/2 कप, 1/2 कप बटर। ये लगभग 1/2 कप बटर।
एक और स्पून है, एक और स्पून, और ये वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस आखिरी में डालेंगे, पहले इसको मिक्स करना है। सो वनीला एसेंस और रेड कलर थोड़ा कलरिंग के लिए रखें। ओके, सो मिल्क, मिल्क आधा कप, हाफ कप, हाफ कप मिल्क चाहिए, फ्रेश मिल्क। बाद में इसका मिक्सिंग जब करेंगे देन अगर जो थोड़ा थिक रहेगा देन यू कैन एड सम ऑन मिल्क टू मेक इट मोर क्रीमी। ये वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, वन स्पून, एक चम्मच वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। तो ये थोड़ा ड्राई हो रहा है ना, then you can add a bit milk, more milk। अब देख सकते हैं थोड़ा सा हम अब ड्राई हो रहा है, सूखा तो हम अपने हिसाब से थोड़ा मिल्क और इसमें ऐड कर लेंगे। Put some red color just for coloring। ये 100% नेचुरल कलर है जो इस कम फ्रॉम द फ्रूट, इस रेड कलर आज केक में अच्छा कलर दिखने के लिए हम ये ऐड कर रहे हैं, 100% नेचुरल कलर कलरिंग के लिए। सी वाओ, इट्स लुक लाइक द स्ट्रॉबेरी केक। टिश्यू दो गेम दो पीस। दो और टिश्यू डाल। बैटर को अंदर डालें पहले, ऑयल पूरा डालना पड़ता है इसके तो बाद में कि ऑयल से पहले इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से, ऑलिव ऑयल और देसी घी भी लगा सकते हैं। अच्छा बेस्ट ऑयल इसमें यूज करना चाहिए, थोड़ा सा तो यूज करना है, 2 स्पून लाइक घी और बटर कैन यूज, बटर नहीं, ऑयल, ऑयल गुड होता है। स्ट्रॉबेरी केक, वाओ, आई लव स्ट्रॉबेरी केक। द कलरिंग, डज इट आल्सो हैव द फ्लेवर, ओनली कलरिंग? यस, कलरिंग। आई थॉट यू नीड टू पुट द फ्रूट्स और द फ्रूट एक्सट्रैक्ट। हमारे बर्थडे में भी केक नहीं बना, माय बर्थडे इज नेवर मेक, यू नो, 2 इयर्स रेडी, लास्ट ईयर आई वन सेलिब्रेट एकादशी और माय बर्थडे। रजल एकादशी है बट हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस दिन को, हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम रजल एकादशी व्रत है। सब लोग कृष्णा के सेवा में ली है, हम कृष्णा के लिए बना रहे, दीदी कृष्णा के लिए कुछ और तैयारी कर रही है, एवरी मंथ कुछ तो कुछ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कृष्णा के ही लिए। आंटी यू वेरी लकी, यू नो, She'll go heaven after she is. Set ho jai. Vaikuntha. Haripur. Don't speak in her video. अब हम इसको ओवन में ले जाएंगे। ओवन प्री, म्यूजिक लगा देना है, ओवन प्री है, कितने टाइम प्री हीट करना है? 10 मिनट। कम इन, कम टू किचन, लाइट पे रखेंगे। ये हमारी दीदी का किचन है, प्योर वेजिटेरियन किचन थी। कितने मिनट पे दिखाना है? पुट फॉर 20 मिनट्स एट 180 डिग्रीज।
20 मिनट 20 और ये 100 डिग्री पे रखेंगे 180 ओके 180 किए थे ना 20 मिनट्स और बढ़ाए हैं अच्छा क्योंकि उसको टेस्ट करते हैं ना सो पहले हम 20 मिनट्स के लिए रखे थे फिर टेस्ट किए तो थोड़ा सा लगा कि कुक नहीं तो फिर हम 20 मिनट्स और बढ़ा दिए हैं फिर हम टेस्ट करके देखेंगे क्लीन निकल रहा है ना हाँ नाइस क्लीन तो हम ऐसे टेस्ट करते हैं किसी भी फॉर्क से करेंगे और छोड़ना है क्या थोड़ा थोड़ा सा और हाँ ठीक है थोड़ा सा हम इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे 10 मिनट के अंदर पूरा सेट हो जाएगा हाँ ठीक हमारा रेडी हो गया है तो अब इसको इसी पे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए फिर ठंडा जब हो जाएगा तब हम इसका ऊपर का डेकोरेशन आपको बताएंगे कैसे करना है इस पे कुछ जी जो इस पे कुछ लगाना है कुछ नहीं अभी अभी नहीं ठीक है बॉल को ठंडा शुगर कितना वन स्पून जीजू टू स्पून ना इसमें थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर डाल रहे हैं मैंगो फ्लेवर इज इट मेडिसिन नो इट्स फ्लेवर मैंगो फ्लेवर मैंगो अरे नहीं वेरी नाइस केक वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सॉफ्ट रियली अरे इतना नहीं पता